हाथरस की मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ उसे पूरा देश दुख में है। हर कोई मनीषा को न्याय दिलाने और आरोपियों को सजा दिलाने की अपील कर रहा है। इसके मद्देनजर शहर के तांडापेट प्रभाग क्रमांक 20 के अनुसया माता मंदिर के महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 2 अक्टूबर को मनीषा को श्रद्धांजलि दी है। 2 अक्टूबर को महिला समाज सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने तांडापेट में मनीषा को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने हाथरस में घटित रेप मामले में आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से न्याय की मांग की है। 14 सितंबर को मनीषा वाल्मीकि के साथ कुछ ऊंची जाति के लोगों ने बलात्कार किया और उसे शारीरिक यातनाएं दी। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मनीषा ने आखिरी सांस ली। इस पूरी घटना में सरकार द्वारा उठाए गए कदम को देखते हुए आम जनता नाराज है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द मनीषा को न्याय मिले। श्रद्धांजलि के दौरान किरण कांबड़े, ट्विंकल पचारे, अर्चना शेड़के, कविता जाधव, लक्ष्मी बोकड़े, उमेश साहू, शुभम धनोरे, पारस, सोनोजी सरपे आदि उपस्थित थे। NBCN के लिए दीपिका दानेश्वर की रिपोर्ट।